करेंगे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम टेबल बनाने भी सीखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट हमें इसमें समझना है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? जैसे कि हम अपनी आँखों से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, द लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आईज, जो आई से ड्रॉ की गई है ऑफ एन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी आँखों से, टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक इन द ऑब्जेक्ट व्यू, मतलब जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट व्यूड है, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे तुम देख रहे हो, बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के द्वारा जहाँ तक देखा जा रहा है, दैट इज लाइन ऑफ साइट। ओके, मतलब एक ऑब्जर्वर की आँखों से जो भी चीज़ देखी जा रही है वो लाइन क्या है? हमारी लाइन ऑफ साइट। ओके, इसके बाद है हमारी हॉरिजॉन्टल, नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके बाद हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर इसके बाद हम क्या बनाते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ठीक है। और जो एंगल बनता है ना, ये होता है जो थीटा होता है, ये थीटा मतलब एंगल होता है, और जो थीटा बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी जो थीटा, पता है मतलब ये जो लाइन ये बनी है, पता है किस चीज़ की है? कितना तुमने, मतलब कितने एंगल से तुमने उसको देखा है। जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ द साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव। अब देखो हमारे पास है एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले हम एंगल ऑफ साइट बना लें। एंगल ऑफ साइट, ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, तो ये हमारी क्या होगी? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे वो है माउंटेन्स, ओके। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। और ये हमारी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये डिस्टेंस है इस माउंटेन के बीच में और इसकी, मतलब इसके बीच में, ठीक है। अब ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी? यहाँ पे, जितना वो नीचे देख रहे हैं, जितना एंगल बन रहा है इसे। और इससे हम एक और चीज़ में समझते हैं कि हम कहते हैं कि भाई जब भी हम नीचे देखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी हमारी नज़र जाती है, तो कुछ इस टाइप से भी हम बोलते हैं, ओके। या फिर हम ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं इसे, ओके। तो ये हमारी होगी और ये हमारी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आगे बस समझ में इतना। अब हम आते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं जो चैप्टर 8 में आपने की थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोल, ठीक है। या फिर कुछ भी, कोई भी ट्रिक है आपकी वो यूज़ कर। अब ये क्या होता है? कोसेक। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। अगर मैं कोसेक करूँगी, अगर मैं कोसेक को देखूँगी, मैं कोसेक को यहाँ से देखूँगी, यहाँ से देखूँगी तो मेरे को एच बाई पी दिखेगा। साइन को मैं ऊपर से देखूँगी, ठीक है, साइन को मैं ऊपर से देखूँगी तो पी बाई एच, कोसेक को मैं नीचे से देखूँगी एच बाई पी। सेम चीज़ यहीं पर आई बात समझ में। अब कोसेक मेरा क्या होता है? कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, ये बाद में बताऊँगी, ठीक है। ये वैसे इसमें यूज़ नहीं होगा, हमने यूज़ कर लिया ये पहले ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने अभी वो चैप्टर कराया नहीं, बट आपने कर लिया होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस तो सेम होता है हमेशा, यही हमारा हाइपोटेनस रहेगा, जो ये 90 है ना उसकी अपोजिट, मतलब ये वाला अपोजिट वाला, वो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। अब ये तो आगे समझ, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर और बेस की क्या चीज़ है? देखो जो भी हमारा एंगल होगा ना, मतलब मैं एक और ट्रायंगल बनाती हूँ, ठीक है, जो भी हमारा एंगल होगा ना उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा पी होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो बच गई वो हमारी बी होगी, ठीक है। हम इस चीज़ को एक और चीज़ से समझते हैं। ये हमारा एंगल है, मान लो यहाँ से कुछ देख रहे हैं, ये एंगल है, तो इसके अपोजिट वाली पी होगी और ये वाली बी होगी, और ये हमारा तो एच, तो एच ही रहेगा। आगे बात समझ में मर्सी। अब हम देख लेते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल साइन थीटा, साइन थीटा का कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बना लेते हैं और फिर वहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। पहले हम क्या करते हैं, जितनी काउंटिंग आती है उतनी काउंटिंग लिख दो, मतलब 0, 1, 2, 3, हम यहाँ तक बनाते हैं 90 तक। हम कहाँ तक बनाते हैं? 90 तक बनाते हैं। तो इसमें कितने नंबर आएंगे? 1, 2, 0 से स्टार्ट करते हैं, ओके, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो वे कितने नंबर आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, ओके।
अब मैं क्या करती हूँ, लास्ट मेरा फोर से ख़त्म हुआ है ना, तो मैं सबके नीचे फोर कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबके ऊपर रूट लगा दूँगी, ठीक है। अब देखो रूट के नीचे कुछ हो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो वो ज़ीरो ही रहेगा, तो वो ज़ीरो ही रहेगा। ओके यहाँ पे वन, तो देखो वन को हम रूट में नहीं लिखते, ओके फोर मेरा टू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा वन बाई टू, टू सा टू टू सा, तो वन तो रूट में नहीं होता बट टू तो रूट में होगा ना, है ना। अब यहाँ पे थ्री तो रूट में होगा, थ्री तो नहीं निकाल सकते हम बाहर, पर फोर तो मैं टू लिख सकती हूँ, है ना। यहाँ पे ये वन हो गया और वन रूट में नहीं होता, ठीक है। अब मेरी ये वैल्यूज आ गई, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मेरे को लिखना है कॉस, ठीक है। अब मैं कॉस क्या होता है, मैं रिवर्स होता है, मतलब इसका उल्टा, ये है ना ये लाइन है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, मतलब जैसे कि ये मेरा पेन है, इसको मैंने ऐसे उल्टा कर दिया, ठीक है। वन वन रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, रूट टू, ठीक है, वन बाई टू और ज़ीरो, ठीक है, उल्टा लिख दिया। अब टेन थीटा, टेन थीटा मेरा क्या होता है, थीटा मेरा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे आया, अगर मैं कॉस थीटा को साइन थीटा को लिखूँगी तो मेरा कितना होता है, पी बाय एच पंडित, और ये पंडित बद्री प्रसाद हर, ठीक है। यहाँ पे कॉस कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ठीक है। अब ये एच से एच कट गया और पी बाय बी आ गया, तो ये मेरा टेन थीटा होता है, मतलब मैंने वैसे ही बता दिया, ओके। ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं, ओके। टेन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं, ओके। साइन थीटा मेरा कितना है, ज़ीरो, ज़ीरो बाई वन, ज़ीरो बाई वन करेंगे तो ये वन बाई ज़ीरो आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, अब देखो वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, ज़ीरो, इतना तो आ गया ना समझ। अब देखो मेरे को निकालना है, देखो मैंने क्या किया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा किया है, मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, अब मैं इनको दोनों को रख दूंगी, तो इसका आगे समझ। देखो मेरा साइन थीटा ज़ीरो था, कॉस थीटा वन था, तो ज़ीरो बाई वन, और इसको ना एक ट्रिक बना लो, जैसे कि ऐसे लिखते हमेशा, मतलब जो ब्रैकेट में है ना ऐसे आते ही, ठीक है, वन और ज़ीरो। अब वन ज़ीरो से ज़ीरो नहीं होता, बस फिर ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाला कह रहा है वन बाई टू, मैं कहाँ पे लिखूँ, वन बाई टू और फिर रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, ठीक है, सेम है, यहाँ पे मैंने सेम लिख लिया। अब इसको इसको कट कर देंगे, अगर समझ नहीं आया तो फिर से देखो, वन बाई टू था मेरा और ये मैं रूट थ्री बाई टू था, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वन बाई टू लिख सकती हूँ, इसको उल्टा होके आता है ना, ये डिवाइड में तो उल्टा होके आएगा, टू बाई रूट थ्री, ये इससे कट हो जाएगा तो वन बाई रूट थ्री, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरा, अब इसको देखते हैं, इसको उल्टा लेते हैं, वन बाय रूट टू बाय में वन बाई रूट टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब इसको कैसे लिखेंगे, वन बाय रूट टू इंटू रूट टू बाय वन, इससे ये कट गया, वन बच गया, वन बाय वन इज इक्वल टू वन, तो ये मेरा क्या आ गया, वन। इसको लिखते हैं रूट थ्री बाई टू बाय में वन बाई टू, इसको मैं लिख सकती हूँ रूट थ्री बाई टू इंटू टू बाय वन, इससे ये कट गया, रूट थ्री बाई वन रूट थ्री, ठीक है। अब वन बाई ज़ीरो, वन बाई ज़ीरो है ना, अब इसको मैं कैसे लिखूँगी, ऐसे ऐसे ज़ीरो बाय ज़ीरो इंटू वन। अब देखो ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो थ्री ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो फोर ज़ा ज़ीरो, आएगा तो ज़ीरो ही, तो मैं ज़ीरो करूँगी फिर भी ज़ीरो, वन आएगा फिर पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाऊंगी फिर भी ज़ीरो ही आएगा, मतलब ज़ीरो ही आने वाला है, ठीक है, पॉइंट नहीं लगा, सॉरी 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 गलत कर दिया, ज़ीरो वन ज़ीरो वन बच्चा, फिर ज़ीरो लगाया फिर वन बच्चा, मतलब नहीं आएगा ना, तो इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। देखो ना क्या तुम कर सकते हो क्या, वन बाई ज़ीरो है, इसको ऐसे करा ज़ीरो बाई वन, क्या करोगे, ज़ीरो ज़ीरो वन बच गया, क्या करोगे, नहीं कर सकते ना, आएगा तो उतना ही। अब कोसेक,
कोसेक को क्या करते हैं, कोसेक मेरा होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। क्लियर है इतना, है ना, 1/sin थीटा ही तो होता है। अब 1/sin थीटा होता है, अब 1/sin थीटा, साइन थीटा 0 है, ठीक है। 1/0 कितना होएगा, 0/1, और ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब देखो कोसेक थीटा 1/sin थीटा, अब इसकी निकालनी है, तो इसकी 1/2 है, ये 1/2 है, इसको करते हैं 1 into 2/1, क्या क्या 2 आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको करेंगे, कोसेक क्या होते हैं 1/sin थीटा 1, और इसमें साइन थीटा कितना है, 1/√2, इसको 1 into √2/1, कितना गया मेरा, √2, इतना तो क्लियर है ना। अब इसको करते हैं कोसेक थीटा 1/√3/2, 1/2/√3, 2/√3 आ गया, क्योंकि 1 से करेंगे तो 2/√3 आएगा ना। 1 कोसेक 1/ कुछ नहीं है नीचे, ओ ठीक है, नहीं 1, ठीक है 1 इसका आ गया। अब साइन थीटा 1/sin थीटा कितना है, 1, 1, 1, 1, ठीक है। अब सेक, सेक सेक क्या होते हैं मेरा, रिवर्स, सेक मेरा क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ओके। 1/√3/√2/2 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब मेरा कोट थीटा क्या होता है, मेरा कोट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा, ठीक है। कोट थीटा निकालेंगे, 10 मेरा 0 है, 1/0 कितना होगा, 0/1, ऐसे होगा ना, 0/1। अब ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ओके। अब ये क्या होता है, कोट थीटा 1, 10 थीटा क्या है यहाँ का, 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1√3/1, बच गया √3। अब यहाँ पे करते हैं कॉट थीटा 1 का 1, अब 10 थीटा मेरा यहाँ पे क्या है, 10 थीटा 10 थीटा 1, 1/1 इज 1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कॉट थीटा 1/10, तो 10 मेरा क्या है, 1/10 इसमें √3, तो ये आ गया, क्योंकि इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी। अब देखो, अब इसको ध्यान से समझना, 1/not defined, कॉट थीटा मेरा होता है 1/10 थीटा, ठीक है, मतलब मेरा हो गया 1/not defined, है ना, नॉट डिफाइंड है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ, नॉट डिफाइंड कैसे लिखते हैं, ठीक है, मतलब 0 जब 1 से नहीं होता तभी तो लिखते हैं ना, और इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख देंगे, 1/0, 1/0 मेरा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ 1/0, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, मतलब मेरा अगर नॉट डिफाइंड 1/0 होता है, मैंने 1/0 लिख दिया बस। अब 1 यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे, 0/1, 0 1 सा 0, मतलब नीचे 1 होता तो हम नहीं लिखते ना, तो हमारी क्या होगी, 0। आगे बात समझ में, इतनी है आसान है ना टेबल बनानी। इंट्रोडक्शन हो गया, इसका इतना ही इंट्रोडक्शन था, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट